अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पालक पकौड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक ली है। आपने जितने बनाने हैं आप उस हिसाब से लेंगे। और साथ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी स्प्रिंग ओनियन। इसका जो वाइट वाला पार्ट है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। 4 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद इसमें आलू। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें, लेकिन हमारे यहाँ जब भी पालक पकौड़ा बनता है तो हम इसमें आलू थोड़े से लाजमी ऐड करते हैं। नमक आप टेस्ट के मुताबिक लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून और साथ इसमें जाएगा चाट मसाला, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और यहाँ पर अब हम कट करेंगे स्प्रिंग ओनियन। मैं यहाँ पर मैंने एक सीज़र रखी हुई है तो मैं उसकी मदद से कट करूँगी क्योंकि मुझे इसे आसानी होती है। ये बिल्कुल साफ़ है, ये मेरे सिर्फ किचन के यूज़ के लिए है। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। स्प्रिंग ओनियन कट करने के बाद अब इसका जो वाइट पार्ट है इसको भी हम कट करेंगे। आपने बहुत मोटा नहीं काटना, बारीक बारीक आप इसे काटेंगे इस तरीके से। वाइट पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर पालक लेंगे और इसको भी अब हम यहाँ पर कट करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरीके से पालक भी मैं कट करूंगी। पालक कट करने के बाद अब हम यहाँ पर हरी मिर्चें लेंगे, इनको भी हम काट लेंगे। हरी मिर्चें काटने के बाद अब हम यहाँ पर आलू लेंगे और इसको अब यहाँ पर हम कद्दूकस करेंगे। आलू भी कद्दूकस करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे चाट मसाला। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये मेरे पास है बेसन। आपको जितना ज़रूरत हो आपने उतना लेना है। ये भी मैंने 1/2 कप लिया है। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स किया है। आपने मसल मसल के इसे मिक्स करना है और पानी हमने ऐड नहीं किया, पानी के बगैर ही हमने इसे मिक्स किया है ताकि जब हम पकौड़ा बनाएं तो आसानी से बन जाए। अब हमने एक फ्राई के अंदर ऑयल गरम कर लिया है और यहाँ पे अब हम इस तरीके से पकौड़ा बनाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से बन जाए। और साथ ही अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना। एक साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इनकी जो साइड्स हैं वो चेंज करेंगे और अब हम इन्हें दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। हम इनको फ्राई करेंगे, दोनों साइड से फ्राई करने के बाद अब हम इनको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी लग रहे हैं।
बाकियों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। पालक पकौड़ा बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our